गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ यूनिट 4 एंड चैप्टर इज 14 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, तो ये हमारी यूनिट का फोर्थ पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ न्यू चैप्टर फ्रॉम क्लास 11th एनसीईआरटी बुक। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज डू प्लांट्स ब्रीथ, बिकॉज जो चैप्टर का नेम है वो क्या रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की प्लांट्स पर रेस्पिरेशन पॉसिबल होता है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। तो येस ऑफ कोर्स द क्वेश्चन आंसर इज येस, द प्लांट्स ब्रीथ। कैन क्या अंदर में क्या प्रोसेस, दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। ओके, येस प्लांट्स रिक्वायर O2, प्लांट्स को O2 की रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेशन के लिए टू अकर, एंड दे ऑल्सो गिव CO2। वो क्या निकालते हैं, CO2 रिलीज करते हैं CO2। अब ये नहीं कि प्लांट्स से हमें O2 मिलता है, लेकिन प्रोसेस ये है कि नाइट में प्लांट्स CO2 का रिलीज करते हैं और मॉर्निंग में क्या करते हैं, O2 का रिलीज करते हैं। तो जो उनका रिलीज करने का प्रोसेस है वो क्या है, मॉर्निंग और डे टाइम में, डे शिफ्ट में बटा हुआ है। जैसे ह्यूमंस ऑक्सीजन लेते हैं और डे में भी और नाइट में भी सिर्फ CO2 देते हैं, मतलब बाहर जो एक्सहेल करते हैं वो क्या होता है, CO2। बट इन प्लांट्स द मैकेनिज्म इज दैट इन डे टाइम दे विल गिव O2, ओके, एंड एट द नाइट दे गिव CO2। तो दिस इज अ मैकेनिज्म हाउ द प्लांट वर्किंग फॉर CO2 एंड O2 एक्सचेंज। प्लांट्स एंड सिस्टम्स इन प्लेस दैट इंश्योर द अवेलेबिलिटी, प्लांट्स में सिस्टम होता है जो क्या इंश्योर करते हैं O2 की अवेलेबिलिटी। देर आर सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजन है कि प्लांट्स कैसे गेट अलॉन्ग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बिना किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के वो कैसे CO2 और O2 का इनहेल कर। अब ह्यूमंस में क्या है, हमारे पास फेफड़े हैं, रेस्पिरेशन लंग्स है हमारे जो क्या वर्क करते हैं, रेस्पिरेटरी का वर्क करते हैं। बट प्लांट्स में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं लंग्स वगैरह, तो विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या ऐसे पॉसिबल्स इनका ब्रीद करना CO2 और O2। तो देर आर सेवरल वेज, वही हम पढ़ेंगे कैसे। ईच प्लांट पार्ट, जो प्लांट का पार्ट होता है वो अपनी खुद की गैस एक्सचेंज का टेक केयर, मतलब प्लांट्स का कोई भी प्लांट चाहे वो लीव्स हो रूट्स हो, दे टेक केयर ऑफ देयर गैसेज एक्सचेंज। ओके, देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। वो क्या करते हैं, एक दूसरे में पार्ट में ट्रांसफर नहीं करते, तो सब अपने अपने पार्ट का खुद ही ध्यान रखते हैं, चाहे वो लीव्स हो, चाहे फ्लावर्स हो, चाहे वो रूट्स हो। एक जो पूरा प्लांट जैसे बन के तैयार हो, चाहे वो स्टेम से क्यों ना हो, प्लांट से बहुत कम गैस एक्सचेंज होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। क्या एक्सचेंज होता है, वाटर मिनरल इन सब का तो एक्सचेंज बहुत ईजिली होता है, बट जो गैसेज के एक्सचेंज है वो सब अपना अपना ध्यान खुद रखते हैं प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, इट मीन्स। ओके, सेकेंड रीजन इज दैट प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज। इसमें जो प्लांट्स में पार्ट्स होते हैं उनमें ग्रेट डिमांड नहीं होती गैस एक्सचेंज की फ्रॉम वन पार्ट टू अदर, जैसे रूट स्टेम्स, जैसे मैंने आपको बताया। रेस्पिरेट एट रेट्स फॉर लोअर देन एनिमल्स डू। जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो क्या करते हैं भाई, लंग्स से पूरे बॉडी पार्ट में जो वो रेस्पिरेटरी होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अदर, बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन जाती है, कैसे ट्रेवल करती है, फिर CO2 का कैसे, तो वो सब हमारे लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है। वेरियस पार्ट्स के हार्ट्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड भी क्या मतलब बैलेंस होता है पूरी बॉडी में, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। ओनली ड्यूरिंग जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेज एक्सचेंज, सिर्फ जब वो अपना खाना बना रहे होते हैं उस टाइम पे लार्ज वॉल्यूम गैसेज एक्सचेंज होती है, किस टाइम पे, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अदरवाइज जो प्लांट्स होते हैं वो अपने पार्ट्स, जो उनके पार्ट्स होते हैं वो खुद ही टेक केयर करते हैं गैस एक्सचेंज के लिए। ईच लीफ इज़ वेल अडॉप्टेड टू केयर ऑफ इट्स ओन नीड ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो लीव्स होती है वो वेल अडॉप्ट होती है कि वो अपना खुद ही ध्यान रखे इस पीरियड के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान, कि कैसे जो गैस एक्सचेंज होनी है, ठीक है। अब इसका इक्वेशन है C6 में, यानी कार्बन के प्लस हाइड्रोजन के 12 प्लस O6 ऑक्सीजन के 6, क्या बना लिया, 6 CO2 बना लिया 6, फिर उसके बाद 6H2O के मोल प्लस एनर्जी, क्या रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई। दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस। ओवरऑल रिजल्ट इज सिर्फ फोटोसिंथेसिस के दौरान ही प्लांट्स गैस एक्सचेंज करते हैं, बाकी उनका पार्ट, हर एक पार्ट वेल अडैप्ट होता है गैस एक्सचेंज के लिए, ओके। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, H2 एंड एनर्जी, ये सब रिलीज होती है एज प्रोडक्ट। ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो जाता है प्लांट्स के वेरियस फंक्शन में, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड, H2, एनर्जी क्या है, रिलीज होती है एज प्रोडक्ट्स बनती हैं, और प्रोडक्ट्स के थ्रू रिलीज, मतलब प्रोडक्ट्स बन के रिलीज होती है ये सब गैसेज। ओके, तो दिस इज अबाउट हाउ प्लांट ब्रीथ और नॉट, तो रीजन इज दैट प्लांट्स ब्रीथ और विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वो कैसे ब्रीथ करते हैं, तो मैंने आपको जो रीजन बताया अबाउट दिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक, सब में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमंस हो, उसमें एंजाइमेटिक मशीनरी होती है, मतलब एंजाइम्स प्रोसेस नहीं होता है टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज. जिससे क्या होता है, ऑक्सीडाइज ग्लूकोज अब ह्यूमंस में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ O2. एंजाइमेटिक मशीनरी होती है जिससे क्या होता है, पार्शियली क्या कर सकते हो, ऑक्सीडाइज ग्लूकोज बिना O2 की हेल्प से. ओके, जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का टू पायरुविक एसिड. जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो किसमें होता है, पायरुविक एसिड में, उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस. द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इट्स कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस. ओके, नेक्स्ट द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. जो ग्लाइकोलाइसिस टर्म है, ग्लाइकोलाइसिस का ब्रेक डाउन की ग्लाइकोलाइसिस का जो ब्रेक, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है पायरिक एसिड में तो ग्लाइकोलाइसिस होता है. तो जो स्कीम है किसने दी, इट वॉज गिवन बाय द वर्स्टेव एमलिन, ऑटो मेयरशॉफ एंड जे पार्टनर्स. तीन साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये स्कीम दी. कौन? वर्स्टेव एमलिन, ऑटो मेयरशॉफ एंड जे पार्टनर्स. और टुगेदर इसे क्या रेफर किया गया, EMP पाथवे, यानी EMP पाथवे. ओके, इन तीनों के नेम के बेस पे क्या पाथवे बोला गया ग्लाइकोलाइसिस स्कीम को, EMP पाथवे भी बोलते हैं. जो ग्लाइकोलाइसिस होता है किसमें अकर होता है, साइटोप्लाज्म में अकर होता है, ऑफ द सेल के साइटोप्लाज्म में. और इस प्रेजेंट, और सेल का साइटोप्लाज्म हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है. तो इसे इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन. किसमें जाता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म, और क्या फॉर्म करता है, दो मॉलिक्यूल्स इसके पायरिक एसिड के, दो मॉलिक्यूल्स बनाता है पायरिक एसिड के. इन प्लांट्स में कैसे होता है ये तो एनिमल्स में होता है. प्लांट्स में क्या होता है, ग्लूकोज इज ड्राइव, किससे ड्राइव होता है, हो जाता है सुक्रोज से ड्राइव होता है, विच इज सुक्रोज क्या है, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सुक्रोज इज कन्वर्टेड इंटू, अब यही सुक्रोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम इनवर्टेज. एंड किस एंजाइम, एंजाइम इनवर्टेज से किस में कन्वर्ट होता है भाई, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में. एंड दीज टू मोनोसाइक्राइड, जो ये दो मोनोसाइक्राइड है ग्लूकोज फ्रक्टोज, रियडली एंटर द ग्लाइकोसाइडिक पाथवे. यानी ये दोनों मोनोसाइक्राइड किस पाथवे पर एंटर करते हैं, ग्लाइकोसाइडिक पाथवे में, जो प्लांट में होता है. नेक्स्ट, ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज बना हमारा आर फॉस्फोराइलेटेड है टू गिव राइज टू ग्लूकोज. फॉस्फोराइलेटेड है और क्या करते हैं, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को राइज देते हैं. मतलब इनसे क्या बनता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज से, और क्या भाई, सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रक्टोज बना. किस एंजाइम से, बाई एंजाइम एनवर्टेज. और इसे क्या, ये किस में एंटर हुआ, ग्लाइकोसाइडिक पाथवे में. अब जो ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है, फॉस्फोराइलेटेड है, और क्या किसी नई टर्म को देता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. किस एंजाइम एक्टिविटी की वजह से, हेक्सोपाइनेज. तो किस एंजाइम एक्टिविटी की वजह से 6-ग्लूकोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, बाय द एक्टिविटी ऑफ हेक्सोकाइनेज. तो दिस टर्म इज इम्पॉर्टेंट कि कौन सी एंजाइम की वजह से हमारा ग्लूकोज फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट होता है, 6-फॉस्फेट में. कौन सी एंजाइम की वजह से, हेक्सोपाइनेज. ओके, तो दिस इज अबाउट ग्लाइकोलाइसिस. आगे देखते हैं इसका. ग्लाइकोलाइसिस में नेक्स्ट हमारा आता है ATP. ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए. एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें O2 टेक प्लेस करे. O2 से जब O2 के प्रोड्यूस, जैसे और जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो अकर होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन वो है जिसमें O2 की प्रेजेंस के बिना, जैसे कि हमारी ATP एनर्जी, जितनी एनर्जी फॉर्म होती है यानी स्टोर होती है प्लांट में, ATP, NADPH, NADH, NADH, ये जितनी भी एनर्जी हमारी, ये तीन जो एनर्जी मैंने बताई है, इनके अलावा भी जो एनर्जी स्टोर होती है, इनसे जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या कहलाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो दो टाइप का होता है, एरोबिक और एनारोबिक. एरोबिक जिसमें O2 इन्वॉल्व, एनारोबिक जिसमें O2 इन्वॉल्वमेंट ना हो. ओके, आगे देखते हैं. ATP यूटिलाइज हुई एंडोप्लाज्म में, ट्रोपोस्फीयर जो एनर्जी है ये दो स्टेप्स में यूटिलाइज होती है. पहला कब होती है, फर्स्ट इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. जब ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में. पहले वाले पार्टमेंट में पढ़ा था किसमें कन्वर्ट किया था, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में. सेकेंडली किस कन्वर्जन में, फ्रक्टोज को कन्वर्ट, मतलब ग्लूकोज को अलग ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं. और सेकेंडली फ्रक्टोज को किसमें कन्वर्ट करते हैं, 6-फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6. यानी 6-फॉस्फेट तो ऑलरेडी होता है, तो उससे किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट में. तो दिस इज अबाउट कि ATP कहाँ दो स्टेप में यूटिलाइज होती है. पहला तब ग्लूकोज को जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं,
सेकेंड लीटर फ्रक्टोज 6 को 1,6 फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हैं. ओके, पाइरुविक एसिड. पाइरुविक एसिड क्या है? की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का. पहले हमने पढ़ा था पाइरुविक एसिड और ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस का की प्रोडक्ट है पाइरुविक एसिड. दिस डिपेंड, जो पाइरुविक एसिड का प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस बनता है, किस पर डिपेंड होता है? सेलुलर नीड्स पर डिपेंड होता है, यानी जितनी नीड्स होगी सेलुलर सेल्स में फॉर्मेशन की, उस नीड्स पर डिपेंड करेगा. तो दिस डिपेंड ऑन सेलुलर नीड्स. नेक्स्ट, देयर आर तीन मेजर वेज है इन विच डिफरेंट सेल हैंडल, जिससे अलग अलग सेल क्या हैंडल करते हैं? पाइरुविक एसिड को हैंडल करते हैं. और किससे प्रोड्यूस्ड? बाय ग्लाइकोलाइसिस. किससे प्रोड्यूस होता है पाइरुविक एसिड? ग्लाइकोलाइसिस. दीज आर लैक्टिक. कौन से तीन डिफरेंट वेज है? पहला लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और तीसरा एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ओ टू टेक प्लेस करता है. तो इन तीन वेज में हमारा पाइरुविक एसिड जो है प्रोड्यूस होता है बाय ग्लाइकोलाइसिस. और थ्री मेजर वेज इन डिफरेंट सेल्स में, ग्लूकोज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन, और एक एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, दीज आर द थ्री वेज. नेक्स्ट, फर्मेंटेशन टेक प्लेस. जो फर्मेंटेशन है वो टेक प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन, यानी कि ऑटो की जहाँ प्रेजेंस ना उस कंडीशन में फर्मेंटेशन टेक प्लेस करते हैं. इन मैनी किसमें? इन पैनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स. यूनिसेल्युलर मतलब वन सेल वाले यूकेरियोट्स. ओके, फॉर द कंप्लीट पूरे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए सी ओ टू किसमें? सी ओ टू और जो H2O पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है. हाउ एवर ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट कैप साइकिल. जो ऑर्गेनिजम्स है वो कौन सा साइकिल अडॉप्ट कर, क्या नाम दिए? कैप साइकिल. ही क्या है? विच इज ऑल्सो बॉडी से एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें कि ओ टू का इन्वॉल्वमेंट होता है. दिस रिक्वायर ओ टू सप्लाई, वही जैसे मैंने आपको बताया. तो दो डिफरेंट टाइप्स है कि ओ टू कहाँ रिक्वायरमेंट है और सी ओ टू की कहाँ रिक्वायरमेंट है. ठीक है, जहाँ सी ओ टू और अदर गैसेस रिक्वायरमेंट है वो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड वेयर ओ टू अवेलेबल है मतलब ओ टू की रिक्वायरमेंट है, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, इसी में हमारा फर्मेंटेशन हो गया कैप साइकिल, जिसे क्या बोला? एरोबिक रेस्पिरेशन. तो दिस इज अराउंड कि ए टी पी कहाँ दो स्टेप्स में यूज होती है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन मैनली फर्मेंटेशन में सी ओ टू का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व नहीं होता है. फर्मेंटेशन के ही दौरान हमारी जो अल्कोहल है वो प्रिपेयर की जाती है. अल्कोहल कैसे प्रिपेयर की जाती है? जहाँ पर बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना हो और सी ओ टू की प्रेजेंस ज़्यादा हो, उस कंडीशन में अल्कोहल प्रेजेंट की जाती है. ठीक है, लैक्टिक एसिड जिसे हमारा कर्ड चेंज होता है लैक्टिक बैक्टीरियाज के थ्रू. लैक्टिक एसिड लैक्टिक बैक्टीरिया होते हैं, उनसे क्या होता है? कर्ड बनता है. लैक्टिक एसिड जब बनता है लैक्टिक बैक्टीरिया से, तो इस चेंज इन टू कर्ड, मिल्क इन टू कर्ड. तो अब कैसा है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन? इसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसका? ग्लूकोज का. कैसे? अचीव्ड बाय एनारोबिक, यानी कि सी ओ टू ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया. कंडीशन बाय सेट्स ऑफ रिएक्शंस, जब रिएक्शंस होती है वेयर, जहाँ पर पाइरुविक एसिड कन्वर्टेड हो जाता है सी ओ टू में और इथेनॉल में. इन रिएक्शंस के दौरान जो पाइरुविक एसिड होता है वो सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, उस कंडीशन में फर्मेंटेशन प्रोसेस टेक प्लेस करता है. लैक्टिक एसिड जैसे मैंने दही वाला बताया कि कैसे मिल्क से कर्ड में चेंज होता है. अल्कोहल फर्मेंटेशन क्या है? अल्कोहल फर्मेंटेशन में हमारे अल्कोहल बनती है फर्मेंटेशन. नॉट मच एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज, इसमें जो ग्लूकोज में एनर्जी होती है ज़्यादा रिलीज नहीं होती है. नॉट ऑल इज ट्रैप विद हाई एनर्जी, मतलब हाई एनर्जी ट्रैप नहीं होती बॉन्ड्स ऑफ एटीपी. एनर्जी बहुत ज़्यादा लो रहती है. ऑल्सो जो प्रोसेस होता है आर हैज़र्डियस होता है, बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि या तो एसिड बनेगा या फिर अल्कोहल प्रोड्यूस होगी. अब अल्कोहल और एसिड दोनों ही हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है, तो प्रोसेस हैज़र्डियस. यूकेरियोट्स में क्या होता है? ये स्टेप्स टेक प्लेस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड दिस रिक्वायर ओ टू. और इसमें क्या रिक्वायर्ड होती है? ओ टू की रिक्वायरमेंट होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जिसमें ओ टू की प्रेजेंस हो, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया. इज अ प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है दैट लेड्स टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑर्गेनिक सब्सटेंस की कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. और क्या करते हैं? रिलीज करता है सी ओ टू और यानी पानी. सी ओ टू और H2 रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन सब्सटेंस. इन कंडीशन में यूकेरियोट्स में जब ऑक्सीजन ज़्यादा डिमांडेबल होता है, तो इसमें जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है. बजाय की फर्मेंटेशन भी एनर्जी बहुत लो होती है, और इस वाले में इसमें यूकेरियोट्स स्टेप टेक प्लेस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ओ टू प्रेजेंट होती है तो एनर्जी का लेवल कैसा हो जाता है? हाई हो जाता है. तो दिस इज अबाउट द प्रोसेस फर्मेंटेशन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन वही जिसमें ओ टू का इन्वॉल्वमेंट होता है. फाइनल प्रोडक्ट, जो इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या निकलता है? ग्लाइकोलाइसिस.
जो पायरोवेट होता है किसमें ट्रांसफर्ट हो जाता है, पायरोवेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट के साइटोप्लाज्म से पायरोवेट किसमें ट्रांसफर हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसका क्या फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फिर ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरोवेट एसिड का बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम, स्टेप वाइज एक एक करके सारा हाइड्रोजन एटम का जब रिमूवल हो जाता है तो तीन मॉलिक्यूल्स बचते हैं CO2 के। ओके, द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं द पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, जितने भी हाइड्रोजन एटम एक एक करके स्टेप वाइज रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव होते हैं टू मॉलिक्यूलर O2 भी सिमिलर सिंथेसाइज है वर्टी, और O2 रह जाता है इसके साथ सिंथेसाइज करता है ATP, यानी O2 मिलके क्या बनाता है, ATP बनाता है, एनर्जी फॉर्म होती है एंडोनाइट में ट्रिफॉस्फेट। जो पायरोवेट होता है जो फॉर्मड होता है किससे, ग्लाइकोसाइटिक ग्लाइकोकैटालिटिक कैटाबॉलिज्म से फॉर्मड होता है, किससे बनता है, ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द किस में बनता है, सिस्टोल में बनता है, साइटोसॉल में बनता है। आफ्टर इट एंटर जब भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करता है तो किस में एंटर होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलाइजेशन। ठीक है, बाय अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन का सेटअप होता है, कैटलाइज हो जाता है किसमें, पायरोवेट डीहाइड्रोजनेज में, डीहाइड्रोजनेज में ट्रांसपोर्ट हो जाता है इन सब रिएक्शन के अंडरगो होने के बाद। कौन, पायरोवेट एसिड। कैसे देखते हैं, पायरोविक एसिड प्लस CO रिएक्शन होती है NADH+। ठीक है, फिर हम रिएक्शन से कराते हैं Md2+, क्या बनता है, पायरोवेट डीऑक्सीराइनेज बनता है किससे, एसिटाइल CO से, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो एनर्जी रिलीज होती है NADH+ H पॉजिटिव पानी की प्रेजेंट पानी के साथ, यानी हाइड्रोजन नॉट वाटर्स हाइड्रोजन मोल्स। ओके, तो ये इसकी इक्वेशन है कैसे पायरोविक एसिड ट्रांसफर हो जाता है हमारा पायरोविक डीहाइड्रोजनेज में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एसिटाइल जो ये CO है ये कैसे एंटर, किस में एंटर करता है, साइक्लिक पाथवे में एंटर करता है, जो क्या बनता है, फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, कौन सा, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। मोर कॉमनली इस ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल को क्या बोलते हैं, कैप साइकिल भी बोलते हैं, बिकॉज जो साइंटिस्ट थे हैन कैप्स उन्होंने इसके बारे में बताया था, और इन्हीं के नेम पे इसका जो नेम है वो इनिशिएटेड हुआ क्या, कैप साइकिल के नाम से। वैसे क्या है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, तो दिस इज अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, जो रेस्पिरेटरी होता है इसकी कैसे ये बैलेंस होता है वो देखेंगे। ओके, देयर इज सिक्वेंटली और ऑर्डरली, सिक्वेंस वाइज और ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग है, मतलब सिक्वेंसली पॉजिटिव स्टेप बाय स्टेप फंक्शन टेक प्लेस करता है, विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट, एक के बाद नेक्स्ट, इन्हीं के बीच में कोई भी बनाना, सिक्वेंसली ऑर्डरली फॉर्म्ड होता है इसके साथ, विद ग्लाइकोलाइसिस के साथ। TCA साइकिल एंड ETS पाथवे मिलते हैं और क्या बनाते हैं, वन आफ्टर अनदर, मतलब एक दूसरे के बाद कंट्रीब्यूशन करके क्या करते हैं, अपना सिक्वेंसली फॉलो करते हैं पाथवे को। NADH मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है किसमें, ग्लूकोलाइसिस में, और ट्रांसफर होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रियल और जो NADH मॉलिक्यूल है ग्लूकोलाइसिस में क्या होगा, सीक्रेट सिंथेसाइज होगा, और ट्रांसफर किसमें होगा, माइटोकॉन्ड्रियल में, और किसमें जाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन से जो O2 का प्रोसेस रिलीज होगा उस कंडीशन में ये बनेगा। ठीक है, नॉन ऑफ द इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट पाथवे है वो यूटिलाइज नहीं होते टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड, सिर्फ अपने कंपाउंड को फॉलो करके चलते किसी दूसरे को नहीं। दिस इज द स्टेप ऑफ दिस मेन पॉइंट, कि कोई भी इंटरमीडिएट पाथवे यूटिलाइज नहीं करता किसी अनदर कंपाउंड को, ओनली ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज ही रेस्पायर्ड होता है, नो अदर ऑल्टरनेटिव सब्सट्रेट्स आर एंटरिंग इन द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेजेस, ग्लूकोज के अलावा कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज में एंटर नहीं करता है, सिर्फ ग्लूकोज को छोड़ के बाकी जितने भी कंपाउंड हैं इंटरमीडिएट स्टेज में अलाव आते नहीं है, मतलब पाथवे में एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते, सिर्फ अपना अपना फंक्शन कैरी करते हैं। ओके, देयर कैन बी अ नेट गेन, नेट गेन मतलब एक फायदा होता है कि इसमें 38 एंडोनॉस में ट्रिफॉस्फेयर के कितने मॉलिक्यूल्स, 38 बनते हैं, कब, जब एरोबिक रेस्पिरेशन मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में टेक प्लेस करते हैं, जब O2 से रेस्पिरेशन होता है तब 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, मतलब इतनी एनर्जी ATP की बनती है। ठीक है, दिस इज अबाउट द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट इन प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्बिबॉयलिक पाथवे,
ठीक है, एंडोबायोटिक पाथवे क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है किसके लिए? फॉर रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। जो सारे ही जितने भी प्रोसेस होते हैं रेस्पिरेशन के प्लांट्स के अंदर, जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो होते हैं, सब प्रोसेस में ग्लूकोज इन्वॉल्व होता है। ऑल कार्बोहाइड्रेट आर यूजली फर्स्ट कन्वर्टेड इंटू, जैसे कि मैंने बताया, सारे ही कार्बोहाइड्रेट पहले किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्लूकोज में, बिफोर द यूज फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में यूज होने से पहले सब किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्लूकोज में। तो ये मेन प्रोडक्ट है प्लांट्स के रेस्पिरेशन के लिए। सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट्स, रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है सबस्ट्रेट्स का, तो जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है वो ट्रेडिशनली इज कंसिडर्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस में ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हो, तो इसीलिए क्या प्रोसेस क्या बताया जाए कैटाबॉलिक प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है रेस्पिरेशन से पहले। एंड द रेस्पिरेटरी पाथवे है कैटा, और पाथवे को क्या बता दिए? कैटाबॉलिक पाथवे। ब्रेक डाउन प्रोसेस को बता दिए कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। एम्फीलिक पाथवे है रेदर देन दिस, इन दोनों टर्म को मिला के एक टर्म बता दी क्या है वो? एम्फीबॉयलिक पाथवे रेदर देन एस कैटाबॉलिक वन। क्लियर, बेटर कौन सी? एम्फीबॉयलिक पाथवे, इन दोनों को मिलाकर एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म को एम्फीबॉयलिक पाथवे टर्म बना दी है, यानी कि जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है ग्लूकोज का, ठीक है, बिफोर द ब्रेकिंग, बिफोर द यूज फॉर रेस्पिरेशन जो ग्लूकोज बनता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, वो क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ सबस्ट्रेट्स होता है, और इस प्रोसेस को कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। और जो पाथवे कैरी करता है क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक पाथवे। और कैटाबॉलिक और एनाबॉलिज्म दोनों में मिला के कौन सा पाथवे बनता है? एम्फीबॉयलिक पाथवे, जिसमें क्या होता है मेन प्रोसेस हमारा ग्लूकोज का ही है, जिसमें कि ग्लूकोज रेस्पिरेशन से पहले जितने भी मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट? ग्लूकोज में, और उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है कैटाबॉलिक पाथवे के तहत, मतलब कैटाबॉलिक पाथवे से, ठीक है, उस टर्म को मिला के क्या बोला? एम्फीबॉयलिक पाथवे। तो दिस इज अबाउट द एम्फीबॉयलिक पाथवे की व्हाट इज एम्फीबॉयलिक पाथवे। क्लियर, फ्लो चार्ट जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े तो उसका एक फ्लो चार्ट बना के हम देख लेते हैं कि कैसे कौन से किस में कौन सा प्रोटीन कब कैसे ऐड हो रहा है। ठीक है, फैट्स, फैट्स में कितने सारे फैटी एसिड और लाइसिन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट में सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन में जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं प्लांट के अंदर टेक प्लेस करते हैं वो आते हैं। तो ये फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का हो गया। फिर उसके बाद हम इसे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का। ओके, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले बताया था किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइको ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। फिर उसके बाद जो फ्रक्टोज बनता है वो किस में होता है कन्वर्ट? फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में, ठीक है। इसके बाद अब हम फैटी एसिड्स पे आते हैं। जो फैटी एसिड और ग्लाइसरिल होता है इनसे क्या बनता है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। किससे बना? इनसे, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट्स। फिर इससे जैसे ही हम आगे बढ़े तो कौन सा आपको बना? ग्लाइसरडिहाइड बना, क्योंकि यहाँ से ग्लूकोज निकल रहा है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज में भी क्या? ग्लाइसरडिहाइड 3-फॉस्फेट यहाँ बने। फिर उसके बाद अमीनो एसिड से क्या निकला? अमीनो एसिड से जितने भी पायरुविक एसिड, किसका? अमीनो एसिड की फॉर्म में पायरुविक एसिड निकला। फिर उसके बाद जो फैटी एसिड और ग्लिसरिन से एसिटाइल सी ओ ए जो हमारा कंपाउंड बना था वो निकला। तो जब पायरुविक एसिड और एसिटाइल दोनों मिक्स हुए तो इनसे क्या बन गया? क्रेब्स साइकिल बन गया, क्रेब्स साइकिल बन गया। क्रेब्स साइकिल में एक तरफ तो सी ओ टू प्रेजेंट होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रोक्साइड, और एक तरफ H2O वाटर। तो ये हमारा एक पूरा फ्लो चार्ट था अबाउट दिस चैप्टर कि कैसे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बन के क्या बनाते हैं? क्रेब्स साइकिल्स बना, क्रेब्स साइकिल बनाते हैं। तो दिस अबाउट दिस फ्लो चार्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। उसमें कुछ इक्वेशन से वो देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है? जब वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व होती है और इवॉल्व, और जितनी वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड होती है, इनका टोटल क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी कॉन्स्टेंट। और फिर से देखिए, CO2 की जितनी वॉल्यूम इवॉल्व होती है, यानी वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, जितनी O2 की कंज्यूम्ड हुई, क्या बनता है? रिएक्शन कॉन्स्टेंट, रेस्पिरेटरी कॉन्स्टेंट। ओके, जब कार्बोहाइड्रेट यूज होते हैं सबस्ट्रेट्स की तरह तो कम्प्लीटली इवॉल्व हो जाते हैं, पूरे तरीके से खत्म हो जाते हैं। इवॉल्व मतलब पूरा उनकी जितनी भी एनर्जी होती है वो ले ली जाती है और कंज्यूम्ड हो जाती है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम C6, यानी कार्बन के 6 मोल, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6।
हमारा केमिकल रूम, उसका फॉर्मूला तो क्या, 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 CO2 लिए, मोल्स लिए एंड फिर दोबारा से रिएक्शन कराया किसके साथ, 6 CO2 का 6H2O के साथ, CO2 की 6 मोल के साथ और 6H2O के मोल्स के साथ रिएक्शन कराया तो क्या निकली, प्लस एनर्जी। तो जो रिएक्शन कॉन्स्टेंट था इसका वो क्या, 6 CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे इवॉल्व का और O2 का कंज्यूम, और O2 का 6O2 और 6CO2 कितना निकल के आया, इक्वल टू 1.0, ये इतना कंज्यूम्ड हुआ। ठीक है, तो दिस इज अबाउट रिएक्शन क्वेश्चन फार्मूला, क्या फार्मूला लगेगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व और वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, क्या कहलाता है हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहलाता है। प्योर प्रोटीन, जो प्रोटीन पूरी तरीके से प्योर होते हैं, ठीक है, जिसमें और कुछ इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ प्योर प्रोटीन ही होते हैं, प्योर प्रोटीन और प्योर फैट कभी भी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट में यूज नहीं होते। प्योर प्रोटीन और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। सो नाउ आवर चैप्टर इज कम्प्लीट, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना चैप्टर 15। आई होप यू गेट समथिंग फ्रॉम दिस। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी इंक्वायरी अबाउट दिस और इन एनी टॉपिक यू हैव कन्फ्यूजन, यू कैन प्लीज कमेंट मी इन द सेक्शन बॉक्स। थैंक यू।